अब देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में गुसा 306 और 657 का गुसा कितना दिया? 9 दिया है। तो हमारा यही रकम का लसा ढूंढने का है, यही रकम का क्या ढूंढने का है? लसा। तो हमारे पता होना चाहिए कि हमने ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर टू किया था जिसमें क्या होता है, हमारे पता है कि गुसा का गुणाकार हम लसा से करते हैं। इक्वल टू हमारी दोनों संख्या का गुणाकार ए गुणिया बी होता है। तो हमारा गुसा यहाँ पे कितना दे दिया है? 9। और लसा हमारे क्या करने का है? ढूंढने का है। ए हमारे कितना दिया? 306 दिया है। और बी कितना दिया? 657। अब हमारे लसा ढूंढना है। 9 गुणाकार में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागाकार में। अब हम 306 का भागाकार किससे करेंगे? 9 से करेंगे। 306 का भागाकार किससे करेंगे? 9 से। तो 306 भाग्य 9 करेंगे। 9 × 9 = 9, 2 = 18, 9 × 3 = 27। 30 में 27 जाएंगे, 3 बचेंगे, ऊपर से किसको नीचे जाएंगे? 6 × 9 = 36। 0 0 30 का आंसर कितना आ गया? 34 आंसर ले गए हम। अब 34 का गुणाकार किससे करेंगे? 657। अब रब का, ये सब रब काम में करना है। 657 का गुणाकार 34 से करेंगे तो ये गुणाकार करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो गुणाकार तो तुम्हारे को आता ही है, तो इसका गुणाकार करेंगे तो 22,338। 657 का गुणाकार किससे करेंगे? 34 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 22,338। अब हमारा गुस्सा दे दिया हो और दो संख्या दे दी तो हम इस सूत्र से हम लसा ढूंढा लेंगे। इसी तरह अगर हमारे लसा दे दिया हो तो हम गुस्सा भी ढूंढ सकते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक रमतना मैदान में वर्तुलाकार मार्ग है। सोनिया ने तेनु एक परिभ्रमण पूर्ण करता 18 मिनट लागे छे, जहाँ रवि ने तेनु एक भ्रमण पूर्ण करता 12 मिनट लागे छे। धारो कि बंने एक समय एक बिंदुओंथी एक दिशा में परिभ्रमण करवानो प्रारंभ करे छे, तो केटली मिनिट बाद बंने फरीथी प्रारंभिक बिंदु पर भेगा थशे? एक वर्तुळ मैदान है, दोनों रेस लगाते, दोनों के वर्तुळ पूरा करके वापिस वहाँ पर आने गए। तो यहाँ पे जब भी ऐसे रेस वाले सम होते या कोई दो बस भागती है, दो ट्रेन भागती है, तो दोनों वापसी कब आएगी? तो टोटल हमारे जो ढूंढने का होता है हम उसको बोलते हैं लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसा। तो सिंपल 18 और 12 का सिर्फ क्या ढूंढने का है? लसा ढूंढने का है। जब ऐसा हमारे बोलते हैं कि दोनों कब मिलेंगे, टोटल समय ढूंढने का हो, तो टोटल हमारे किससे मिलता है? हमेशा लसा से मिलता है। तो 18 और 12 एक ही संख्या, तो 18 को 2 से भागेंगे 9 आएगा, 12 को 2 से भागेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अभी 6 भी एक ही संख्या है, 2 को 9 से भाग सकते नहीं है। 6 को 2 से भागेंगे तो 3 आएगा। अब ये दोनों को किससे भाग सकते हैं? 3 से। 3 × 9 = 3 × 3। अब ये तो एक हो गया, अब 3 को किससे भागेंगे? 1 से 3 × 3। तो हमारा लसा कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4 = 12, 12 × 36। अब हमारा लसा कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4 = 12, 12 × 36। तो इसका हमारा आंसर कितना है? 36 मिनट। 36 मिनट बाद, तो 36 मिनट पछी पारम बिंदु पर भेगा थसे, ये हमारा आंसर हो गया।